السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. We discussed verbs, transitive and intransitive verbs in the previous lecture. और आज हम इससे आगे चलेंगे, लेकिन first of all let's revise transitive and intransitive verbs. आपको याद है कि transitive verbs are the ones that need an object after them. इनके बाद object की ज़रूरत होती है, definitely. Because the action passes on from the subject to the object. और intransitive verbs वो हैं कि they don't need an object, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा action है ही नहीं जो कि subject से object को pass on हो रहा हो, उसको receive करने वाला कोई नहीं हो उस action को. वो subject के साथ शुरू होता है, उस subject के साथ ही ख़त्म हो जाता है. That's all. So transitive and intransitive verbs, हमने वो भी discuss किया था कि how do you find an object, और उसके बारे में बताया था कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द वर्ब इन अ सेंटेंस. वर्ब के बाद आप अगर ये दो सवाल पूछेंगे हुम और व्हाट, तो इन दोनों का आंसर जो होगा दैट वुड बी द ऑब्जेक्ट. अगर आपने ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ठीक है जी. So this is the formula for that. ये हमने चीज़ें डिस्कस की थी. अब इससे आगे चलते हैं and we come to the third kind of the verb, the main verb that is, and now we are going to describe and discuss the linking verb. Linking verb is like intransitive verbs. Intransitive in the sense के भाई ये भी इसमें भी कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो पास ऑन हो रहा हो. इट डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट. लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एन इंट्रांसिटिव वर्ब एंड द लिंकिंग वर्ब. ये ज़रा एग्जांपल्स देखिए. फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ कि द बेबी स्लेप्ट. अभी देखिए स्लेप्ट इज़ द वर्ब और द बेबी इज़ द सब्जेक्ट और ये सेंटेंस कंप्लीट है. द बेबी स्लेप्ट, बच्चा सो गया. नाउ दिस वर्ब स्लेप्ट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब. वी डोंट नीड एनीथिंग आफ्टर दैट टू कंप्लीट द मीनिंग. इसके बगैर भी कंप्लीट है. ऐड करना चाहें तो येस, फॉर एग्जांपल वी कैन से द बेबी स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स और द होल नाइट एंड सो ऑन. हम आगे कुछ मज़ीद मालूम दे सकते हैं, लेकिन उसके बगैर भी ये सेंटेंस कम्प्लीट है. यानी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ सेंटेंस कम्प्लीट हो जाता है. दिस इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब. So slept is an intransitive verb. अब जैसे मैंने कहा था कि linking verb भी intransitive ही होता है. अब इस sentence को देखें. The baby seems. अब यहाँ पर भी देखें, seems is the verb. The baby is the subject. Subject और verb दोनों हैं. और seems is not a transitive verb. इसमें कोई ऐसा एक्शन नहीं जो कि पास ऑन हो रहा हो किसी ऑब्जेक्ट को. लेकिन यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म नहीं हो रहा. द सेंटेंस इज़ इनकम्प्लीट. आपने देखा कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब जब था तो सेंटेंस कम्प्लीट हो गया था बगैर किसी और इजाफे के. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी इंट्रांजिटिव ही है, लेकिन इट्स डिफरेंट. यहाँ पे जब तक हम सीम्स के बाद वर्ब के बाद कुछ और चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो द सेंटेंस विल रिमेन इनकम्प्लीट. मिसाल के तौर पे द बेबी स्लीम्स स्लीपी. अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अब ये जो वर्ड है स्लीपी, ये इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग विच कंप्लीट्स द सेंटेंस. तो ये कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को, और ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है बेबी को. ये स्लीपी कौन है? स्लीपी बेबी है, जाहिर है. ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है. दैट्स वाई वी कॉल इट द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो ये जो वर्ब्स हैं लिंकिंग वर्ब्स, इनके बाद हमेशा जो वर्ड आता है दैट्स ऑलवेज डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट. एंड दैट्स वाई द वर्ड आफ्टर द लिंकिंग वर्ब इज़ ऑलवेज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जो मेन आपका लिंकिंग वर्ब है वो है टू बी. इसकी सारी फॉर्म जब ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो ये सारे का सारा लिंकिंग वर्ब होते हैं. जैसे इज है, जैसे एम और ये टू बी की सारी फॉर्म्स हैं. वॉज एंड वर एक्सेट्रा, ये उसकी सारी फॉर्म्स जो है ना,
ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब्स होंगी उस वक्त जबकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब्स होंगे, जैसे वी आर ऑनेस्ट। अभी देखें कि यहाँ सिर्फ वर्ब आर है और उसके बाद जो वर्ड आ रहा है ये ऑनेस्ट, इट इज़ डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट वी, तो ये है कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है डेफिनेटली। तो ये आर जो है आपका लिंकिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके बाद फिर एक और वर्ब होगा, जैसे वी आर होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ भी देखें कि आर होल्डिंग, अब ये दो वर्ब्स हैं, इसमें मेन वर्ब ये है और ये आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आप देखेंगे कि जब आर इज एम आर वॉज इन वर्ब, जब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब्स, खुद मेन वर्ब्स होंगे, तो फिर ये ऑलवेज, ये हमेशा ये क्या होंगे, ये लिंकिंग वर्ब्स होंगे। तो जब भी आप देखें कि इज एम आर या वॉज इन वर्ब बी की कोई भी फॉर्म जो है वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रही है सेंटेंस में, तो वो हमेशा लिंकिंग वर्ब ही होगी। अब ये देखिए कि कुछ और वर्ब्स हैं ऐसे, जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेस होते हैं, जैसे अभी हमने सीम तो लिखा था ना, अपीयर है, जैसे जैसे फील है, जैसे जैसे टेस्ट, जैसे स्मेल, इस तरह के वर्ब जो हैं ये भी हमें अक्सर जो हैं वो होते हैं लिंकिंग वर्ब्स होंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल द क्लॉथ फील्स सॉफ्ट। अब यहाँ पे देखिए ये फील्स जो है ये वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब इसलिए है बिकॉज इसके बाद जो वर्ड आ रहा है दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट, सॉफ्ट एडजेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो सॉफ्ट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग द क्लॉथ, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा। एक और आप देखें इस लिंकिंग वर्ब की एक और निशानी कि आप लिंकिंग वर्ब को आप इज एम आर से या वॉज इन वर्ब से रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं द क्लॉथ, इसी सेंटेंस में देखें फील्स की जगह इज सॉफ्ट, तो मीनिंग में कोई खास तब्दीली नहीं आई, राइट? तो आप देखें ही द क्लॉथ फील सॉफ्ट और द क्लॉथ इज सॉफ्ट, दोनों का मतलब एक ही है ऑलमोस्ट। और इसलिए जब रिप्लेस हो सकता है जो वर्ब इज एम आर से या वॉज इन वर्ब से, तो इसका मतलब है कि वो लिंकिंग वर्ब ही है। यही वर्ब जो है वो कभी ट्रांजिटिव वगैरह भी हो सकता है, जैसे ही फेल्ट हिज वे थ्रू द डार्क। अभी देखिए यहाँ पे फेल्ट है, ही फेल्ट व्हाट, ही फेल्ट हिज वे, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। और हम कहें कि ये कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं है, अभी देखिए जैसे यहाँ पे सॉफ्ट था ना, सॉफ्ट वॉज डिस्क्राइबिंग द क्लॉथ, इट वॉज द क्लॉथ दैट वॉज सॉफ्ट, तो क्या हम कहेंगे कि हिज वे जो है वो ही सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी हिज वे और ही एक ही चीज़ है, वहाँ पे तो सॉफ्ट जो है वो क्लॉथ ही है ना, तो हिज वे इज़ नॉट ही डेफिनेटली, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक्शन जो पास ऑन हो रहा है। इसी तरह आप रिप्लेस करके देख लें फेल्ट को यहाँ पे वॉज से करते हैं, जैसे क्योंकि ये पास टेंस है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ही वॉज हिज वे थ्रू द डार्क। अब ये देखें क्या इसका और इससे प्रीवियस सेंटेंस ही फेल्ट हिज वे थ्रू द डार्क, ही वॉज हिज वे थ्रू द डार्क, अभी देखें कि ये सेंटेंस जो है मीनिंगलेस हो गया, इसका मीनिंग वो नहीं रहा जो कि एक्चुअल सेंटेंस ही फेल्ट हिज वे का था। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे फेल्ट इज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद एनी फॉर्म ऑफ बी, यानी वॉज वर्ब या इज एम आर से रिप्लेस नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि जो लिंकिंग वर्ब है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इज एम आर से या वॉज इन वर्ब से, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि वो लिंकिंग वर्ब नहीं है, वो किसी और किस्म का वर्ब है, वो ट्रांजिटिव होगा या इनट्रांजिटिव होगा एंड सो ऑन। सो फेल्ट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप के दिस वुड बी इनफ फॉर टुडे, आपको समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं।
वंस अगेन लिंकिंग वर्ब के बारे में आप ये देख लें कि लिंकिंग वर्ब के बाद एक वर्ड चाहिए होता है ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, और वो वर्ड हमेशा सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करता है। वो नाउन भी हो सकता है, वो कुछ और भी चीज़ हो सकती है, यानी एडजेक्टिव वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।